Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhogi Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life. This is the seventh lecture of profit and loss. Okay, so आज हम क्या डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट. ओके, हम सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन SSC 2022 दिसंबर. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को समझते हैं. सो ये डायरेक्टली अगर ऐसा आ गया तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100. ओके, सो 15 प्लस 12 27 माइनस ए इंटू बी 15 10 जा 150 एंड 2 31 180 अपॉन 100. दिस वन 5 9, सो 27 माइनस 9 अपॉन 7. ओके, सो 7 सॉरी 5. ओके, दिस इज 5. ओके, 5 मल्टीप्लाई 27, सो 5 एंड 5 टू जा 10, 3 5 माइनस 9 अपॉन 5, 1 2 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 0.5 टू जा. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, easily you can solve. Now we know how to solve this problem. Okay, we are not going to write problem here, just successive discount. Okay, 50% discount and 50% discount means जैसे आप जाते हो, जैसे कि कहा है कि 50% discount दूंगा और फिर और एक 50% discount दूंगा, तो कितना हो जाएगा? Okay, so मैं यहाँ समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास 100 रुपए है, okay, इसको डायरेक्टली करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर है. यहाँ माइनस 50% डिस्काउंट, सो क्या नंबर हो जाएगा? 50%, तो यहाँ 50 नंबर बच जाएगा 50, एंड देन अगेन 25, अगेन 50% डिस्काउंट, ये भी निकाल देंगे 50%, तो ये इसमें क्या बचेगा? 25 बचेगा. तो ये नंबर कितना हो गया? 25 हो गया. पर डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हो गया 75%. अगर दो बार 50 देंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? डिस्काउंट जो होगा वो होगा 75%. ओके, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. सो वो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है, किस फॉर्म में चाहिए. ओके, सो वो अब दूसरा हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, ए प्लस बी माइनस ए बी. जब दो टर्म दिया हो तो हो सकता है, तीन टर्म दिया हो, चार टर्म दिया हो, तो आप दो दो करके फिर अप्लाई कर सकते हो. जैसे इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो 50 50 100 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100, दिस वन कैंसिल ऑफ, दिस वन कैंसिल ऑफ एंड दिस 25, सो 2500 माइनस 25 75%. ओके, डिस्काउंट कितना आ गया? 75%. ओके, टोटल जो डिस्काउंट आ गया, क्योंकि 50 50. अब इसको हम तीसरे तरीके से कर देते हैं, क्योंकि ऐसा भी हमें सॉल्व करने का आ सकता है 50%. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं. और ये कितनी बार है? दो बार है, तो ये एमपी हो जाता है और एसपी क्या हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे एमपी ईयर एसपी 1, और दो बार है, एक बार और है, तो ये आप यहाँ यही वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे 2 1. ओके, सो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा,
सो 1 बाई 4 को हमें यहाँ से निकालना है. 1 बाई 4 कितने में से निकालना है? 1 बाई 4 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बाई 4, क्योंकि हमें 1 से निकालना है, 1 हम मान लेते हैं, तो 1 से हमें 1 बाई 4 निकालेंगे कितना बचेगा? सो 3 बाई 4 आ जाएगा. ओके, सो इसको 3 बाई 4 ये डिस्काउंट इक्वल आ जाएगा 3 बाई 4 इंटू 100. दिस वन 25 इंटू 3 75%. ओके, सो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो ऐसे प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं. तो एक ही प्रॉब्लम था, हम और प्रॉब्लम को भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं. जैसे एक प्रॉब्लम हम 10% दे देते हैं, दूसरे में 20% दे देते हैं. सो टोटल कितना डिस्काउंट आएगा? ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, सक्सेसिव सॉल्यूशन. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट निकालने पे आसान नंबर है, तो डायरेक्ट ये सही है. सो ये हो जाएगा 10% डिस्काउंट, ये माइनस हो गया, से कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा. अगेन ये 20% कर देंगे, 20% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीन्स 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं. 5 को डिवाइड करने कितना हो जाएगा? 5 8 40. 5 1 5 8 1 and ओके, सो कितना इसमें माइनस कर देंगे? या इसमें हम माइनस कर देंगे 1 and 8, 18 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 72 हो जाएगा. ओके, सो जो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट हो गया 28%. ओके, सो वहां पे आपको ऐसे ही आप कर सकते हो. ओके, तो यहाँ टोटल डिस्काउंट कितना आ गया? 28%. मीन्स आप अगर 10 दोगे फिर 20 दोगे. अब इसी को उल्टा करके देखते हैं क्या निकलता है. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो अगर हम पहले 20 दे देते हैं एंड देन 10 दे देते हैं तो कितना परसेंट डिस्काउंट आता है? ओके, आपको हमने तीन तरीके बता दिए हैं, तो आपको जो तरीका समझ में आए वही कहिए. ओके, जैसे क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर है. ओके, जब नंबर डायरेक्ट नंबर है तो आसानी से हो सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट ही कीजिए. ओके, जैसे अभी 100 को हम ले लेते हैं, तो 100 माइनस 20% डिस्काउंट कर देंगे कितना हो जाएगा? तो ये 80 हो जाएगा. अभी 10% डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10% कर देंगे तो इसमें 10% कितना होगा? 8 हो जाएगा. 10% 80 का 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस कर देंगे 80 में, तो सो आंसर क्या जा रहा है? डिस्काउंट जो आ रहा है कितना जा रहा है? सेम ही आ रहा है. ओके, तो हम ऐसे